बिहार के कटिहार में शर्मनाक ग्रामीणों की बैठाई पंचायत की तस्वीर आपको विचलित कर देगी। शादीशुदा पुरुष और दो बच्चे की मां को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। नाजायज रिश्ते को लेकर वृद्ध युवा किशोर और ग्रामीण महिलाओं का हुजूम, पकड़ी गई महिला के दरवाजे पर बैठ गई। आरोपी महिला के बच्चे अपनी मां को भरसक बचाने का प्रयास करते दिखे। बेरहम भीड़ अपनी क्रूरता की आखिरी हद तक चली गई। दोनों आरोपी को बैठी पंचायत ने रस्ते से बांधकर बेरहमी से पीटा। महिला के बच्चे चीखते रोते और गिड़गिड़ाते रहे। तमाशबीन भीड़ मुस्कुराती रही। क्रूर पंचायत ने पकड़े गए विवाहित पुरुष पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की वसूली के बाद वहसी पंचायत ने दोनों को किया आजाद। मामला पहुंचा 24 घंटे के बाद पुलिस के संज्ञान में। पीड़ित महिला के लिखित आवेदन पर 16 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्राणपुर थाना क्षेत्र के धरहन पंचायत के रहा अब साइड है तो यहाँ एक आदमी जड़ते अंतर्गत रहार गांव में इस तरह की सूचना आई है कि एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक अवस्था में था, जिसमें उन लोगों के द्वारा पंचायती बैठा कर उसके साथ मारपीट भी की गई है और जुर्माना भी लिया गया है। इस संबंध में हमको भी सूचना मिला और थानाध्यक्ष से मैंने बात किया और इसके बाद वो महिला से संपर्क किए तो उसके द्वारा आज सवेरे लिखित आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर थाना में कुल 16 नामजद और 25 अज्ञात की विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और सीधे हम लोग उसमें गिरफ्तार भी करेंगे। था जो इन लोगों का जो देखा वो काफ़ी गलत अवस्था में देखा, तो उन लोगों को लगा जी लोग का गलत प्रेम कर रहा है, इसके चलते उसने ऐसा किया। जो कानून इसको अधिकार किसी को मारपीट करने का नहीं देता है और इसी के तहत जैसे कि हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने महिला से संपर्क किया और उसके लिखित आवेदन पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें उसके विरुद्ध किया जाएगा, क्योंकि किसी को इस तरह का कोई अधिकार कानून देता नहीं। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।